अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा शमशान घाट जो एयरपोर्ट की शक्ल का है। इस अनोखे शमशान घाट का नाम है मोक्षधाम एयरपोर्ट। सूरत में शुरू हुए इस अनोखे शमशान घाट में दो डमी एयरप्लेन्स भी रखे हुए हैं। आखिर क्यों एक शमशान घाट को एयरपोर्ट का रूप दे दिया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। दो एरोप्लेन, गेट नंबर, सीसीटीवी, ये देखकर आपको एक पल के लिए एयरपोर्ट का भ्रम हो सकता है, लेकिन जब आप सच्चाई जानेंगे तो चौंक जाएंगे। ये कोई एयरपोर्ट नहीं है और ना ही कोई पब्लिक प्लेस, ये एक शमशान घाट है जिसे एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया गया है। सूरत के बारडोली के शमशान घाट का नाम है मोक्षधाम एयरपोर्ट। ये नाम इसलिए क्योंकि ये एयरपोर्ट ऐसा है जहां से ली गई उड़ाने मोक्ष के दरवाजे तक ले जाती है। इस मोक्षधाम में 40-40 फीट के दो हवाई जहाज बनाए गए हैं जिससे अंतिम संस्कार के लिए आए लोगों को यहाँ हवाई अड्डे जैसा एहसास होता है। प्लेन में 14 खिड़कियां हैं, इसमें 25 लोग बैठ सकते हैं। इनका नाम भी रखा गया है मोक्ष एयरलाइंस और स्वर्ग एयरलाइंस। यहाँ अंतिम संस्कार के लिए 5 भट्टियां बनाई गई हैं, इन्हें गेट नंबर कहा जाता है। बकायदा अनाउंसमेंट के जरिए अंतिम संस्कार की जानकारी दी जाती है। अंतिम अनुष्ठान के बाद चिंताएं बुझते ही विमान टेक ऑफ की आवाजें आती हैं, साथ ही मॉडल विमान की लाइट चकमगाने लगती है। आखिर एक शमशान घाट को एयरपोर्ट का रूप देने की जरूरत क्यों पड़ी, जरा सुनिए इस मोक्षधाम एयरपोर्ट को बनाने वाले क्या कहते हैं। जब 10 साल का था तो हमारे घर में कभी ऐसा मौत होते तो मेरा बाप दादा बोलते कि भाई ये दादा तो गुजर गया, उसके लिए उसको लेने के लिए तो विमान आया है। मैंने सोचा कि अभी ये जो बाप दादा ने बोला है तो वो अभी हम इधर क्यों नहीं रखे, तो वो सोचकर हमने वो प्लेन का मेरे को आइडिया आ गया। मोक्षधाम एयरपोर्ट में सीसीटीवी लगे हुए हैं जिनसे दूर बैठे परिजनों को अंतिम संस्कार लाइव देखने की सुविधा दी जाती है। मृतक के परिजनों को मन की शांति मिल पाए इसलिए यहाँ बाग और फव्वारे हैं। यहाँ का माहौल एकदम पवित्र, एकदम शांत, एकदम नेचुरल टाइप लगता है और यहाँ पे हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हम कोई शमशान में नहीं है और कुछ खुली जगह में शांति से आराम से बैठे हैं। देश के सर्वाधिक सुविधाजनक अंतिम धाम में लोगों से कोई रुपया नहीं लिया जाता। यहाँ आसपास के 40 गांव के लोग अंतिम क्रिया के लिए आते हैं। अत्याधुनिक शमशान बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का चंदा जुटाया गया था, लेकिन ये शमशान 3.5 करोड़ रुपए में ही तैयार हो गया। बचे हुए 1.5 करोड़ रुपयों को बैंक में रखा गया है। इन रुपयों के ब्याज से ही रखरखाव किया जाता है। शैलेश चापानेरिया, इंडिया टीवी, सूरत।